वेलकम टू माई चैनल टाइम एक्स मनी तो जैसा कि हमने पिछले काफ़ी सारे वीडियो में हमने काफ़ी सारे सजेशन्स दिए आप लोगों को ये स्टॉक्स बताया हमने कौन सा आपका सपोर्ट ले रहा है कौन सा रेजिस्टेंस पे है कौन आगे चल के आपको रिटर्न देगा काफ़ी अच्छा तो आप लोग जो हमने लेवल्स बताए हैं आप लोग डेफिनेटली इस पर बाई कीजिए अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को अगर फॉलो किया होगा तो आप लोग के काफ़ी अच्छे पैसे बने होंगे साइंट में आप लोग को बिरला कॉरपोरेशन में मिधानी में और भी हमने एक बताया था आपको स्टॉक टी वी मोटर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है और फिलहाल बिरला कॉरपोरेशन रेडी है देने के लिए तो चलिए इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं एल फाइनेंस का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं एल फाइनेंस का तो हमने एल एन डी फाइनेंस होल्डिंग का चार्ट ओपन कर लिया है तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर लेवल क्या तो पर्सनली लेवल जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि एल एन डी फाइनेंस में हम लोग क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप लोग लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म अगर आप लोग चार से पाँच साल का इन्वेस्टमेंट बेकार पर्पस पर आप लोग पेशेंस है आप लोग वैसे अगर चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस पे आप लोग को बाई करना है और सबसे पहला आपको करेंट मार्केट प्राइस पर फिफ्टी परसेंट क्वान्टिटी आपको बाई करना है करेंट मार्केट प्राइस है 90.50 पॉइंट फाइव जीरो और एक प्लांट इन्वेस्टिंग के थ्रू आप लोग इन्वेस्ट कीजिए इसमें क्योंकि ये तीन साल से 15% परसेंट का ग्रोथ देते आ रहा है सी पे और कंपनी का काफ़ी अच्छा रिजर्व बना हुआ है टू करोड़ का अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आप लोग इन्वेस्ट कीजिए करेंट मार्केट प्राइस पर आप सिक्सटी बाई कीजिए यहाँ पर और अगर ये लोअर लेवल दिखाता है अगर 80 के आसपास ये आता है तो मेरे अकॉर्डिंगली 84 अगर आता है तो वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा और 30% थर्टी परसेंट करने का यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली रिवर्स करना चाहिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है वीकली पे। तो एक बार हम लोग डेली चार्ट देख लेते हैं एल एंडी फाइनेंस होल्डिंग का तो अगर डेली पे चार्टे पे भी लोग देखें तो बिल्कुल 84, 85 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना के रखे हुए हैं तो अगर किसी को भी बाई करनी है तो 60 परसेंट आप लोग करेंट मार्केट प्राइस पे बाई कीजिए और आप 30 परसेंट भी आप ऐड कर सकते हैं 50 परसेंट या 60 परसेंट आप लोग डेफिनेटली करेंट मार्केट प्राइस पर बाई कर सकते हैं और आपको अगर लोअर लेवल दिखाता है तो डेफिनेटली आपको बाई करना है और इसका टारगेट डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंगली जिस टाइप से इस कंपनी ने ग्रोथ दिया है तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका टारगेट 200 तक तो जाना ही चाहिए और 200 अगर क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये डबल कर जा सकता है 500 प्लस तक जाने का ये कैपेसिटी रखता है ये एल फाइनेंस होल्डिंग तो आप लोग डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाना है आप लोगों को 75 का 75 के नीचे अगर स्टॉक मार्केट अगर क्लोज होता है इसका तो डेफिनेटली ये लोअर लेवर दिखा सकता है और तो सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी के बीच में आप लोग को समझ के चलना है कि अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये नीचे की तरफ जाने के लिए तो आप लोग डेफिनेटली इसमें काम कीजिए और ध्यान रहे आप लोग को कि सेवेंटी फ़ाइव का स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है और किसी को बाई करना है तो करेंट मार्केट जो में जो अवेलेबल बताया है उस पर आप लोग बाई कीजिए और ये काफ़ी अच्छी है और एक प्लान इन्वेस्टिंग के थ्रू आप इसमें एस भी कर सकते हैं और तब तक जरूरी रहे टाइम एक्सपनी से क्योंकि समय ही पैसा बनाता है